मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम का गोलकीपर हूं और इस वक्त पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। और 2018 में मैंने स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप खेला जो कि रशिया मॉस्को में हुआ। यूरोप की 24 टीमों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान अंडर 16 टीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की इस वर्ल्ड कप में। मैंने 2012 में फुटबॉल स्टार्ट किया अपने सिटी चिचावतनी से। तो मेरे घर के जो माली हालात हैं वो ठीक नहीं थे, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, फुटबॉल को कुछ अरसे के लिए छोड़ना पड़ा। तो मैंने वालदैन के साथ मेहनत भी की, मजदूरी भी की और फैक्ट्री में भी काम किया 1.5-2 साल। मैं तब फैक्ट्री में था, 2017 की बात है। मेरे कोचेज का मुझे फ़ोन आया कि पाकिस्तान अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो इन ट्रायल्स में आपने शमूलियत लाजमी इख्तियार करनी है। वहाँ से मैंने पैसे लिए और पहुँचा मैं ट्रायल्स के लिए डायरेक्ट हड़प्पा में। तो मैंने अपने ट्रायल्स मुकम्मल किए, 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद मुझे कैंप में बुलाया गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे कोचेज ने मुझे सपोर्ट किया और मैं कैंप में चला गया। 3 मंथ बाद मेरी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान अंडर 16 टीम में। कैंप में तकरीबन 50 लड़के थे और उन 50 में से 12 लड़के जाने थे रशिया मॉस्को वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। मेरे कैरियर का सबसे जो अहम लम्हा था मेरे लिए, वो जब मैं अंडर 16 खेला हूँ ना पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरे जो चेस्ट पे परचम था पाकिस्तान का और कौमी तराना हो रहा था, तो मेरी आंखों में से आंसू जारी हो गए कि 20-22 करोड़ अवाम में से अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का। खिलाड़ी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मुश्किल वक्त होता है वो खिलाड़ी को नहीं बोलता। मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़ा हुआ था जब मैं 2012 में कैंप में था, तो टीम मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान जानी थी, तो मेरी हंस की हड्डी टूट गई थी। तब मैं दिल बर्दाश्त हुआ, मुझे काट दिया गया नेशनल टीम से, तो बहुत दुख हुआ, रोया भी, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, आज मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है कि 2018 में मेरी नेशनल टीम अंडर 16 में सिलेक्शन हुई और मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया, जिसमें यूरोप की 24 टीमों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान की टीम ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है सेकंड पोजीशन हासिल की वर्ल्ड कप में। मुस्तकबिल में मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो अभी ग्लोबल सॉकर वेंचर के ट्रायल्स होने हैं मैं वो दूं और बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। बेसिकली पाकिस्तान नेशनल टीम में 5 साल खेलने का इरादा है मेरा, और उसके बाद मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए सुबह तकरीबन 35-40 मिनट रनिंग करता हूँ, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को बरकरार रखता हूँ, शाम में अपनी बॉल ट्रेनिंग करता हूँ। आने वाले वक्त में मैं उन लोगों के लिए मिसाल बनूंगा जो लड़के मेरे जैसे हैं, गली मोहल्लों से निकल के ऊपर आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए एक अकेडमी बनाऊँ जिसमें वो खेलें और मेरी तरह ही अपने इलाकों से निकल के अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, अपने सिटी का नाम रोशन करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं HBL, PSL और इनवेक्स सोलर एनर्जी का, जिन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया और मेरी कहानी आप तक पहुंचाई।